तो हेलो एवरीवन, मैं बनाने वाली हूँ कद्दू की खीर, मतलब खीर हलवा जो भी आप बोलेंगे वो। तो चलिए फिर वीडियो की तरफ चलते हैं। तो मैंने ये घी लिया है कटोरी में, और कद्दू मैंने कद्दूकस कर लिया है अच्छे से, और मैंने कढ़ाही ले ली है, कढ़ाही गर्म हो गई, इसमें डालूंगी मैं घी, और घी डालने के बाद इसमें डाल दूंगी मैं जो मैंने कद्दू कर लिया था, तो वो कद्दू मैं डाल दूंगी किसा हुआ। तो ये कद्दू है तो ये मैं डाल दूंगी। उम्मीद करती हूँ आप सबको वीडियो मेरी पसंद आएगी, पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और इसको हम ऐसे ही चलाते रहेंगे, थोड़ा हम इसे भून लेंगे मतलब अच्छे से, और फिर उसके बाद इसमें हम दूध डालेंगे। वैसे अभी हमें इसको भूनना है, इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा भूनते भूनते, और उसके बाद हम इसमें दूध डालेंगे। तो ये हमने इलायची ली थी, तो पाउडर नहीं था तो मैंने इलायची कोट ली है, मतलब थोड़ी सी पीस ली है, तो मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। इलायची पाउडर और जो काली मिर्च पाउडर होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है हलवे, मतलब गाजर कद्दू के हलवा के लिए। और ये है काली मिर्च, ये अभी मैं डालूँगी, अभी नहीं डाल रही हूँ, अभी मैं ले जाती हूँ देखना, फिर अभी वापस रख दूँगी। तो यहाँ थोड़ा सा भुन जाने के बाद कद्दू मैंने यहाँ दूध डाल दिया है, अब इसे हम अच्छे से चलाते रहेंगे। थोड़ा सा और मैं इसमें दूध ऐड करूँगी थोड़ा सा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप सबको, थोड़ा सा ढक के पका लूँगी इसे मैं। तो फिर मैंने इसे थाली निकाल ली है, तो ये थोड़ा सा लग गया है वहाँ बाजू में जो दिख रहा है, मतलब दूध था थोड़ा सा, और यहाँ मैं थोड़ा सा और दूध डाल दूँगी, मतलब थोड़ा सा डाल के मैंने पकाया था, अब यहाँ मैंने और दूध डाल दिया है। अब इसे अच्छे से मैं चलाती रहूँगी, मतलब मलाई ना डाल के पहले दूध डालते हैं तो वो मलाई मावा जैसा हो जाता है, और फिर बाद में दूध डाल दिया तो ये खीर जैसी हमारी बनके रेडी हो गया है कद्दू का। और अब इसे हम थोड़ा चलाते रहेंगे, मतलब अच्छे से पका लेंगे, और कद्दू की खीर काफ़ी टेस्टी बनती है। अभी लॉकडाउन है तो मिठाई उठाई तो कोई खा नहीं पा रहा होगा, तो घर में ही आप कद्दू की खीर बना लो, लौकी की खीर बना लो, जो चीज़ें हैं ना, इन सबसे हम मिठाई, खीर, हलवा, मतलब मिठाई जैसा स्वाद हम ला सकते हैं इन सब चीज़ों में। तो ऐसे मैं अच्छे से ऐसे ही खोल ले दूँगी, दिख रहा है कैसे खोल रहा है, तो चलिए मिलती हूँ। तो यहाँ मैंने ये डाल दी है काली मिर्च का पाउडर, तो इसे मैं मिला लूँगी, मुझे डर था पहले डालने में फट ना जाए, इस वजह से इसे मैं चला दूँगी। और तो ये हम देखो, मतलब चलाती जा रही हूँ मैं अच्छे से, अब ये हो गया। अब इसमें डालूँगी मैं शक्कर, तो स्वाद के अनुसार शक्कर डाली, मतलब कम ज़्यादा मीठा जो जैसा खाता है वैसा। तो मुझे ज़्यादा मीठा पसंद नहीं है, लेकिन मेरे घर में सबको मीठा पसंद है, तो मैं मीठा ही बनाऊँगी। तो और हलवा, मतलब ये गाजर का, इसका कद्दू का मीठा ही अच्छा लगता है, तो इसे मैं चला लूँगी अच्छे से। और शक्कर सबसे बाद में डालती हूँ मैं अपना तरीका बता रही हूँ, बाकी मैंने ना तो देखा है ऐसा कोई वीडियो, और मुझे ऐसे पता नहीं है, बट जैसे हमारे घर में बनता है बस वही मैं आप सबको दिखा रही हूँ। कोशिश करिए, क्योंकि मैंने बोला था तो उसके बाद बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे, जो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं मेरी सिस्टर्स लोग, वो बोल रही थी कि दी प्लीज़ आप उसका रेसिपी डालना, तो उनके लिए मैं खासकर ये रेसिपी डाल रही हूँ, शायद आप सबको पसंद आएगी, मतलब पसंद आएगी तो लाइक करना, और अच्छा लगे तो शेयर करना, एंड आप मेरे चैनल में नहीं हुए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए हमारा जो कद्दू का हलवा है वो बनके है रेडी, खीर हलवा जो आप कहें, और दूध थोड़ा कम था, नहीं तो मैं और दूध डालती तो देखने में और टेस्टी लगता। तो चलिए फिर और मैं कुछ कर लेती हूँ।
तो यहाँ मैंने ये नारियल लिया है और मैं नारियल से नारियल का कद्दूकस कर लूँगी। और मैंने नारियल कद्दूकस कर लिया है, अब इससे मैं गार्निश करूँगी हलवा को। तो मतलब थोड़ा सा सजा लूँगी क्योंकि देखने में भी अच्छा लगेगा और फिर जब हम किसी को देंगे तो नारियल का स्वाद आएगा तो वो भी अच्छा लगेगा। बाकी मेरे घर के लोग खा चुके हैं और काफ़ी टेस्टी बना था ये हलवा, तो आइए आप सब भी खा लीजिए। और चलिए फिर मैं भी खा लेती हूँ, और ये मेरे व्रत के लिए मैंने बनाया था और घर में सबके लिए। तो चलिए गाइस मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। देखिए हमारा हलवा कितना प्यारा लग रहा है, आइए आप सब भी खा लीजिए, और हमारे परिवार वाले तो खा चुके हैं। तो बाय।